ये नीम का पत्ता है और इसमें थोड़ा सा जो घर वाला एलोवेरा जेल होता है वो डालूंगी, और ये मसूर का दाल जो होता है उसको गुलाब जल में 10 मिनट पहले डाल दूँगी। देखिए इस तरह से ये हो गया है। अब साड़ी को मैं सिलवट पर पीस लूँगी। इसी तरह से साड़ी को पीस लेना है। जो एलोवेरा जेल है घर वाला प्लांट नहीं है तो आप बाद में भी इसमें मिला सकते हैं। इसी तरह से साड़ी को हम दम बारीक पीस लेंगे। साड़ी बारीक एकदम पीस लिए हैं। देखिए मेरा नीम का पत्ता 2 दिन का है इसलिए थोड़ा सा ग्रीन कम लग रहा है। आपका जब ताज़ा पीसिएगा ना तो पूरा ग्रीन ग्रीन दिखेगा। अब इसको हम कोई जार में नहीं पीसे हैं इसलिए कि थोड़ा सा है और जार वाला इतना में ही नहीं पिसाता है, सिलवट्टे वाला ज़्यादा अच्छा होता है। अब इसको कोई डब्बा में क्रीम वगैरह या कोई भी चीज़ छोटा उसमें भर के फ्रीजर में रख दीजिए और थोड़ा सा लेकर, मेरा तो इतने में हो जाएगा, सिलवट्टे पर जो लगा हुआ है उसी को मैं फेस में लगा लूँ। इसमें थोड़ा सा हनी और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नहीं तो ऐसे भी लगा सकते हैं। इससे आपकी जितना छाहियाँ हैं ना, छाहियाँ हैं, पिंपल है, सारे खत्म हो जाएंगे। ये बहुत कारगर है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड कि एक वीक में और 10-15 दिन में नहीं जाता, इसको रेगुलर लगाना पड़ेगा तभी ये जाएगा। 1-2 महीना में, हाँ 10-15 दिन में ये आपको दिखने लगेगा कि मेरा छाहियाँ और मेरा पिंपल तो चला जाएगा लेकिन छाहियाँ नहीं जाता है। 10-15 दिन में छाहियाँ के लिए 1-2 महीने रेगुलर लगाना पड़ेगा। मैं तो क्या करती हूँ, सुबह उठकर लगा लेती हूँ, उसके बाद जो काम करना होता है कर नहा लेती हूँ। इस सुबह मेरा कॉफ़ी वाला था, कॉफ़ी में मैं केला डालकर और शहद डालकर लगाई थी, उसी में थोड़ा सा डालकर इस समय मैं लगा ले रही हूँ। इसको लगाकर 10-15 मिनट छोड़ दीजिए और उसके बाद फेस पे अगर इससे भी ग्लो आ जाता है और चेहरा भी साफ क्लीन हो जाता है, रंग भी निखर जाता है, इससे ज़्यादा और गोरा चाहिए तो आपके जो आलू है ना, आलू को रस के कपड़ा से छान लीजिए और उससे जो जब फेस पर थोड़ा सा लेकर मसाज करते हुए इसको हटा दीजिए, एकदम ब्लीच जैसा आपका चेहरा दमक जाएगा, इतना एक कारगर है। एक बार लगा कर देखिए, साबुन और फेस वाश भूल जाइएगा। ये बहुत, और ये ज़रूरत भी नहीं है कि डेली पीसना है। इसको इस तरह से करके फ्रिज में रख देते हैं, 10 दिन तक ला कुछ नहीं होता। इस नीम के कारण ना इसमें बदबू आता है ना स्मेल आता है। बहुत जिस तरह से डालिए उसी तरह से इसका नीम और गुलाब का खुशबू बना रह जाता है। मेरे फेस में इतना छाहिया है कि मत पूछिए। इसी से आधा चला गया है, आधा अभी बचा हुआ है। मेरा 1-1.5 महीना हो गया है लगाते हुए। चलिए मैं लगाकर दिखा रही हूँ। इस तरह से आप लगा लीजिए सारे फेस में। देखिए कितने मेरी छाइयाँ भरे पड़े हैं। इसी से सारे मेरी छाइयाँ, और बहुत ठंडक भी लगता है, पूरी पूरा ठंडा फेस लगता है। आपका सर दर्द भी वगैरह भी है इससे चला जाता है। लगाकर और 10-15 मिनट बैठ जाइए। चाहे कोई किचन में काम कर रही हैं अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, किचन में काम करते रहिए और ऐसे लगा लीजिए। इसी तरह से मैं लगा लेती हूँ। जब छुड़ाइएगा तो ज़्यादा आपका फेस में गोरा अगर होना चाहिए तो
फिर आलू का जो रस बोले ना वो लगा कर इसको मसाज करके छुड़ा लीजिए। उसके बाद ठंडे पानी या कोई भी नॉर्मल पानी से आप धो लीजिए। राधे राधे फ्रेंड, एक बार लगा कर देखिए आप, बार बार इसी को लगाना पसंद करें।